छोटे पढ़ते हैं ये देखी जाती है कि हम बच्चों का अच्छे से विकास कर सके, बच्चों के बारे में बात करें और बच्चों को हम किस तरह से और अच्छे से अच्छा करा सकते हैं, या आप टीचर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या उनकी अच्छाई के लिए कुछ बताना चाहते हैं। स्कूल में एडमिशन लगातार चल रहा है, अगर आपके आसपास आपको कोई ऐसा बच्चा दिखता है कि जिसका एडमिशन नहीं है, जो घर में है, या माता पिता इतने विजिलेंट नहीं है या उनको इतना पता नहीं है, तो आप बोलिए कि स्कूल में जाइए और हम एडमिशन लेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी को मना किया जा रहा हो, बाकी स्कूल चेक कर रहे होंगे, लेकिन मैंने नियम बना लिया है कि हम किसी को मना नहीं कर रहे, इसलिए सब आइए। दूसरा, अभी हम SMC का गठन करेंगे। SMC होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो उसमें आप सब लोग सदस्य के लिए दावेदारी अपना भर सकते हैं। क्लास टीचर आपको बताएंगी, एक फॉर्म है उसे भरने कहिएगा आप लोग, उसमें अपनी फोटो भी लगाएंगे और उसमें 10 लोगों से साइन भी करवाएंगे स्कूल में पढ़ने वाले ही, और फिर इलेक्शन होगा, जब सरकार एक डेट देगी तब आप लोग चुने जाएंगे, 10-12 लोग होंगे वो, और उन लोगों का काम है कि स्कूल को सहायता करना, अच्छा बनाने के लिए स्कूल की सहायता करना। दूसरी बात, एक बात और है कि बच्चे यूनिफॉर्म में आए, बुधवार को और शनिवार को व्हाइट यूनिफॉर्म है, कई बच्चों की यूनिफॉर्म गंदी हो रही है, वो माता को दिखता है, पिताजी को भी दिखता है, जूते फटे होते हैं, जुराब नहीं है, बिना जुराब के आ रहा है, सिर्फ एक नज़र मारिए बच्चे को, रात को बोलिए कि सारी चीज़ें अपनी रखे, बच्चा अप टू डेट आएगा तो उसे अच्छा लगेगा। डेली बच्चे की कॉपीज देखिए आप, घर में उसे 10-15 मिनट जरूर पढ़ाइए, हम लेवल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं? लेवल के हिसाब से। अगर उसको ये एक हमारे पास एक क्राइटेरिया है जो टीचर के पास है, ये पूरे NCD में एक ही क्राइटेरिया है जिससे हम बच्चों को छांट रहे हैं, तो हम लेवल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो नर्सरी से लेके 5th क्लास तक के हर एक बच्चे का बनना है, तो जो भी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है लेवल वाइज टीचिंग का या क्लास में, वो सब इसमें रहेगा। तो आप जब भी आएंगे PTM में आएंगे, या आप वैसे मैम से पूछना चाहते हैं कि हमारे बच्चे की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, वो रिकॉर्ड इसमें रहता है। एडमिशन्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि एडमिशन्स ऑन है, 3 से लेके 10 साल के बच्चे का एडमिशन हम लेते हैं नर्सरी टू 5th क्लास में। तो आपको विद्यालय के आसपास कोई बच्चा दिखता है जो आपको लगता है कि इस आयु का और स्कूल नहीं जा रहा है, आप उसे कह सकते हैं कि आप स्कूल में आके बात कर लें। बच्चों की सेफ्टी जो हमारी टॉप प्रायोरिटी, आपको क्लास टीचर से मिलना है, आपको मैम ने बुलाया तो प्लीज उसे इन्फॉर्म करिए फोन पे, हम गेट पे आ गए हैं, वो आपसे वही मिलेंगे। आपको क्लास में जाने नहीं दिया जाएगा, तो इस पे कोई नाराज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक है कि आपका बच्चा सेफ रहे, विद्यालय में कोई भी बिना जान पहचान का व्यक्ति ना घूमे। इस साइट पे रजिस्टर करेंगे और आपका एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो स्कूल आपको कॉल कर सकते हैं। ये ओपन फॉरम है जिसमें जो भी वॉलंटियर्स है वो सब उसमें दिखाई देते हैं, ये सभी स्कूल में चल रहा है। तो हमारे पास, आप जब वहाँ रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है, अगर हमें लगता है कि हमें बच्चों को कुछ स्पेशल बताना है तो हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पैम्फलेट्स आपको मिलेंगी, आप अपने पास रखिए, या जो आपको लगता है कि कोई है किसी तरह का वॉलंटियर सर्विस दे सकता है, आप उससे दीजिए, जागरूक करिए। इस पैम्फलेट का सिर्फ यही है, एक ही साइट है, इसको आप खोलेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। आप में से कोई रजिस्टर करना चाहे आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कुछ जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे, खासकर जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनका क्राफ्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हम ये देखते हैं, ये बनवाने के लिए देते हैं पोर्टफोलियो, तो वो बहुत अच्छा सजा के भेजते हैं या कोई काम देते हैं, तो अगर उनको इस तरह का आता है और वो चाहती हैं कि वो एक दो स्कूलों में जाके कुछ सिखाना चाहें, तो वो अपने आप को इसमें रजिस्टर करें। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिनको कुछ एक अलग से चीज़ आती होगी और वो चाहते हैं कि हम फ्री समाज को सिखा सकें, समाज को नहीं तो हम अपने बच्चों को तो सिखा ही सकें, ऐसा कोई करना चाहता है तो ये विद्यांजलि का जो ऐप है इसमें अपने आप को रजिस्टर करें। जब नहीं करना आता है तो हमारे पास आ जाएं, कल सुबह मैं करवा दूंगी। मेरी बच्ची 5वीं क्लास में पढ़ती है, उसका नाम स्नेहा गुसाई है, वो पहले प्राइवेट स्कूल में थी, उसका एक टाइम पता कैसे, उसकी दोनों आंखें जो है ना वो चश्मे लगाती मोटी मोटी, वो उसके जो आंखों का नंबर हुआ 15.6 करके है, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देता इतनी दूरी से, लेकिन वो चश्मा पहन के बचपन से ही उसकी आंखें वीक है, बचपन से ही कमजोर है, लेकिन पढ़ाई में फास्ट आती है, उसका रिकॉर्ड है।
और स्पेशली मैंने क्या देखा, जब यहाँ पे बच्चों की केयरिंग देखी ना मैंने, वो बहुत अच्छा लगा है। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल में पता है क्या होता है, पढ़ाते तो, लेकिन वहाँ पे कहता है आपके बच्चे ने ये कर दिया, आपके बच्चे ने वो कर दिया, आपके बच्चे ने ये नहीं, आपके बच्चे में वो नहीं, वो सिर्फ नेगेटिव चीजें बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैम है वो सपोर्ट करके बच्चे को ऊपर उठाते हैं, उसकी पॉजिटिव चीजों को आगे रखते हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि स्कूल का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है बच्चों के। यहाँ पे जो आपके बच्चे सीखते हैं, देखते हैं और जिस तरीके से बातें करते हैं एक दूसरे से, वो बहुत अच्छा लगता है। ये हर स्कूल में अवेलेबल नहीं है, यहीं पे मतलब आप एक एक किलोमीटर के आसपास में देखोगे ना और भी जो स्कूल है, तो आप अगर एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे होता है, आपके बच्चों से पता चलता है। क्लास में है सुभाष नाम है उसका, और जब मैंने उसे डाला था तो वो मतलब पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, और अब जब उसकी जो टीचर्स है ना, क्लास टीचर है जो उसकी, और उनको हर एक बच्चे के बारे में ना बहुत अच्छे से जानकारी है, मतलब बच्चा कैसा पढ़ रहा है, बच्चे का बिहेव कैसा है, उन्हें सब कुछ पता है। मुझे ये देखकर ना बहुत अच्छा लगा, हर बच्चे की जो भी मतलब उसमें क्या प्रोग्रेस है, क्या उसमें मतलब अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, टीचर्स को सब पता है और बहुत पोलाइट है यहाँ की टीचर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। टेन तक वो हमेशा ही आती है क्लास में, और उसके पास इंटेलिजेंस ही है, इस बार थर्ड पोजीशन से पास हुई है, फिफ्थ में गई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ध्यान भी दिया जाता है स्कूल में, वेरी गुड। हम जो सोच रखते हैं ना बच्चों के लिए, उससे बेहतर यहाँ की टीचर हमारे बच्चों का ध्यान रखती है। पूछा था उनसे कि मेरे बच्चों कुछ नहीं आता, कह रहे तुम्हारा बच्चा तुम जाओ। उन्होंने ऐसा जवाब दिया था मेरे को, क्योंकि मेरे उस समय कोरोना आ गया, मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराया, अपने दोस्तों को एडमिशन करवाया, मैं बहुत अच्छा इसमें मेरे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे।